अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। पहली सुर्खी ताइवान से। ताइवान में 3 अप्रैल को बड़ा भूकंप आया, तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। इसको पिछले 25 वर्षों में आया सबसे भयानक भूकंप बताया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 1999 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, उसमें 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ताइवान से चलने वाली मीडिया संस्थान ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 127 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम मलबा हटाएगी वैसे वैसे नुकसान बढ़ने की आशंका है। और क्या अपडेट्स हैं? भूकंप की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है जिसके चलते रेल सेवा प्रभावित हुई है। कुछ जगहों पर रेल लाइंस को बंद करना पड़ा है। ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, इनकी तीव्रता 7 तक हो सकती है। 3 अप्रैल की दोपहर तक 123 झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई, हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। दूसरी सुर्खी ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल को धमकी दी है, कहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा। 1 अप्रैल की शाम 5 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डिप्यूटी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी शामिल हैं। ईरान ने हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था। जब इसराइल से सवाल पूछा गया उसने कहा कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर बयान नहीं देते। हालांकि इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने इशारों इशारों में अपनी बात रख दी थी। 2 अप्रैल को संसद की एक कमेटी के सामने बोले, इसराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, हम अपने दुश्मनों की ताकत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई इसराइल के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलांत ने कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिया था, मगर समझने के लिए इशारा भी काफ़ी होता है। इसी वजह से खामेनेई की धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनसे पहले ईरान के राष्ट्रपति और सीनियर मंत्रियों ने भी बदला लेने की बात कही थी। ईरान की नाराज़गी की वजह क्या है? गाज़ा में ईरान ने हमास को सपोर्ट किया मगर कभी सामने से हथियार या सैनिक नहीं भेजे, बस प्रॉक्सी गुटों और बयानों के दम पर साथ दिखता रहा। जानकार कहते हैं कि ईरान को डर है कि उसने अगर सीधे अटैक किया तो अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है। इसी डर की आड़ में उसके टॉप कमांडर्स मारे जाते रहे। सीरिया में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कई ठिकानों पर हमले हुए, इसने ईरान को नुकसान तो पहुंचाया ही साथ में उसको कमजोर भी साबित किया है। 1 अप्रैल को उसके दूतावास पर अटैक हुआ। दूतावास विदेश में किसी देश की निजी संपत्ति माने जाते हैं, इसलिए दमिश्क में हुआ हमला उसकी संप्रभुता पर हमले जैसा है। उसके लिए इसको भुलाना मुश्किल होगा। अगर नहीं भूलता है और इसराइल से बदला लेने की कोशिश करता फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग तय है जिसमें अमेरिका को भी शामिल होना पड़ेगा। अमेरिका ने दूतावास अटैक पर क्या कहा? हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। सुनिए। So the comments by the Iranian foreign minister that somehow we're to be held to account or that we're to blame is just nonsense. We had nothing to do with it. और क्या-क्या reactions आए? UN ने हमले की निंदा की, बोला international law का पालन होना चाहिए। European Union ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की। रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में आरोप लगाया कि इसराइल तनाव को भड़का रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चीन ने कहा मिडिल ईस्ट की स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ये और ज़्यादा बिगड़े। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी बोत्सवाना से है। बोत्सवाना ने 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दी है। क्या है पूरा मामला और इसको धमकी की तरह क्यों देखा जा रहा है? बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में बसा देश है। किसके लिए जाना जाता है? जंगलों और हाथी के लिए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाथी इसी देश में है। कितने? 1,30,000, जबकि पूरे मुल्क की आबादी महज 26 लाख है। हर 25 आदमी पर एक हाथी। सुनने में पर्यावरण संरक्षण का बेजोड़ उदाहरण लगता है। एक समय ऐसा था भी जब पूरी दुनिया में हाथियों का शिकार जोरों पर था, तब बोत्सवाना ने उनको बचाया। फिर हाथियों की संख्या बढ़ती चली गई, इसको मिसाल के तौर पर देखा गया, मगर अब ये मिसाल मुसीबत में बदल गई है। हाथियों के रहने की जगह कम पड़ती जा रही है जिसके चलते वे रिहायशी इलाकों में घुसने लगे हैं, लोगों पर हमले करने लगे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। तब बोत्सवाना सरकार ने हाथियों को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। 2023 में उसने 8,000 हाथी अंगोला को गिफ्ट किए। मोजाम्बिक को भी ऐसा ही ऑफर दिया गया।
इसके अलावा 2019 में सरकार ने ट्रॉफी हंटिंग पर लगा बैन भी हटा दिया। ट्रॉफी हंटिंग माने जंगली जानवरों का शिकार करके उनके शरीर के हिस्सों को तमगे की तरह ले जाना। मसलन हिरन के सींग, शेर के खाल, हाथी के दांत, ज़्यादातर देशों में ट्रॉफी हंटिंग बैन है। 2014 में बोत्सवाना ने भी इसको बैन कर दिया था, मगर प्रेशर बढ़ा तो 5 बरस बैन हटा दिया। अब बाकायदा शिकार के लिए हर साल कोटा तय है। यूरोप के देशों में ये काफ़ी पॉपुलर है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों में ट्रॉफी हंटिंग के सबसे बड़े लाभार्थी जर्मन हैं, वही उनका आयात करते हैं। आज उसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? दरअसल कुछ समय पहले जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने ट्रॉफी हंटिंग के सामानों के आयात पर बैन लगाने की बात कही थी। 2 अप्रैल को जर्मन अखबार बिल्ड ने इसी से जुड़ा सवाल बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकवीसी मसीसी से पूछा। मसीसी का जवाब था, बर्लिन में बैठकर हमारे बारे में राय बनाना बहुत आसान है। हमने दुनिया के लिए जानवरों को संरक्षित किया और हम ही असली कीमत भी चुका रहे हैं। हम 20,000 हाथी जर्मनी भेजने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो हमारा गिफ्ट स्वीकार करिए। जर्मनी से पहले बोत्सवाना और ब्रिटेन के बीच भी गहमा गहमी हो चुकी है। मार्च में ब्रिटिश सरकार ने सफारी ट्रॉफी हंटिंग पर बैन लगाने की चर्चा चलाई थी, जिसके बाद बोत्सवाना ने 10,000 हाथी लंदन के हाइड पार्क में भेजने की धमकी दी थी।